सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज 51वें पृष्ठ की 29वीं पंक्ति पर 30वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, आउट स्ट्रेचिंग आर्म्स टू द अनकॉन्शियस वॉइड, पैशनेट शी प्रेज टू इनविंसिबल इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ गॉड्स, सॉलिसिटिंग फ्रॉम डम्ब फेट एंड टॉयलिंग टाइम, व्हाट मोस्ट शी नीड्स, व्हाट मोस्ट एक्सीड्स हर स्कोप, ए माइंड अनविजिटेड बाय इल्यूजन्स ग्लीम्स, ए विल एक्सप्रेसिव ऑफ सोल्स डेटी, ए स्ट्रेंथ नॉट फोर्स टू स्टम्बल बाय इट्स स्पीड, ए जॉय दैट ड्रैग्स नॉट सारो एज इट्स शेड। पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भागवत लीला प्रसंग में अपनी सामान्य सतत विकासोन्मुख मंथर चाल और गति से धरा पर विकास प्रक्रिया सतत चेतना ऊर्ध्वारोहण माध्यम से उन्नत आकारों में आकारित होते हुए अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया में जो अभी तक धरती नहीं बन पाई, उसके सृजन अभिव्यक्तिकरण हेतु पाए विजन की शक्ति के प्रभाव से दोहरी हुई धरती की शक्ति के प्रभाव में अपने इर्द गिर्द व्याप्त अचित शून्य की समस्त दिशाओं में अपने अदृश्य हाथ उठाए ऊर्ध्व स्थित स्वयं के मूल अदृश्य परमात्मा आकारों से धरा अत्यंत व्यथित व्याकुल बनकर हृदय से व्यग्र प्रार्थनाएं करती हैं और धरती के मूक नियति भाग्य और भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास के कठिन जटिल बना देने वाले श्रमशील काल में स्थित होकर अपनी उन परम आवश्यकताओं जिसे वह अब तक संसिद्ध न कर सकी उनके हित जो उसकी सामान्य विकासोन्मुख प्रक्रिया के दौरान उसकी सीमा को पार न कर सकने के कारण उसकी पहुंच में अब तक न आ पाई, तब वह अपने विकसित किए स्वरूपों में श्रेष्ठ मानव मन प्राण शरीर के माध्यम से
उनके संग सविनय याचना प्रार्थना अभीप्सा करती सी प्रतीत होती है कि वे उसकी विकासोन्मुख ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया में उनका सहकार करके प्राप्त की गई दिव्य दृश्य शक्ति प्रभाव से धरा चाहती कि एक ऐसा दिव्य विश्व मन विकसित हो जाए जिसमें झूठी माया की मंद से मंद झलक भी शेष न रहे। धरती की अंतरात्मा में व्याप्त परमात्मा के दिव्य संकल्प की शक्ति आंदोलित होकर उसके स्वयं के भीतर विद्यमान अंत पुरुष रूपी इष्ट देव की एक सहज अभिव्यक्ति हो ताकि दिव्य प्राणों की शाश्वत ऊर्जा में उसकी त्रुटिपूर्ण गतिविधियों के निज तीव्र वेग में भी कामना के वशीभूत होकर प्राण परवश न लड़खड़ाने की सुदृढ़ स्थिति में स्थित हो जाए और हृदय में एक परमांश भावना के दिव्य प्रेम का प्रवाह उमड़ उमड़ कर दुखों को मानव स्वयं सुख मानकर दुखों की छाया खींच लाता वह शाश्वत दिव्य सशक्त बनकर दुख को निज छाया सम खींच कर न ले आ सके अखंड आनंद में शाश्वत परमानंद में स्थित हो जाए यह धरा। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरी दुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को देखा सीखा समझा जाना अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के ध्रुव पद पर हमें ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब ये ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पद पर हमारा नेतृत्व कराएं। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।